क्या पर्दे पर फिर से लौटेंगे बाजीगर शाहरुख खान? प्रोड्यूसर ने दी गुड न्यूज। पठान और जवान की सक्सेस के बाद किंग खान के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग कर रहे हैं और सिनेमा लवर्स उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। इसी बीच शाहरुख की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल का अपडेट सामने आया है। खास बात यह है कि इसकी कंफर्मेशन खुद प्रोड्यूसर ने की है। शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर का डायलॉग तो सभी को जरूर याद होगा। इस फिल्म में एक्टर ने अजय शर्मा का किरदार निभाया था और उन्होंने कहा था, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इस मूवी के गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। अब शाहरुख के फैंस के लिए इस फिल्म के सीक्वल से जुड़ी हुई गुड न्यूज सामने आई है। बाजीगर फिल्म के प्रोड्यूसर रजत जैन ने इस बात को कंफर्म किया है कि बाजीगर का सीक्वल बनने की तैयारी चल रही है और इसके लिए शाहरुख खान के साथ भी चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई है। फिलहाल एक्टर के सामने बाजीगर 2 बनाने को लेकर बात की गई है। रजत जैन ने बात को पूरा करते हुए कहा कि आने वाले समय में लोग बाजीगर का सीक्वल जरूर देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी टीम स्टोरी पर अच्छे से काम कर रही है ताकि बाजीगर की लेगेसी को कायम रखा जा सके। पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर रजत जैन के स्टेटमेंट से ये बात साफ हो गई है कि शाहरुख के बिना बाजीगर के सीक्वल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस खुशखबरी को सुनने के बाद फैंस की फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस बात के बारे में हर कोई जानता है कि साल 1993 में रिलीज हुई बाजीगर ने शाहरुख खान को सुपरस्टार बना दिया था और फिल्म में शाहरुख ने अजय शर्मा का नेगेटिव रोल निभाया था। खैर, किंग खान की डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल एक्सप्रेशन ने दर्शकों को काफी इम्प्रेस किया था।